अपने फोम पेपर को छोटा करें, डिस्प्ले लगाएं। प्यारे कान है, इससे ब्लड प्रेशर चेक करना बहुत आसान है। हेलो, अब लंच करने का समय है, सबको मेरा सूप पसंद आएगा। मॉम नहीं देख रही है, अब शरारत करने का समय है। हे, ये शोर कैसा है? ओह नहीं, यहाँ क्या हुआ है? हनी, तुम्हें कैसा लग रहा है? चलो तुम्हारा ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। ठीक लग रहा है। अपनी मॉम को गुस्सा मत दिलाना बच्चों। ये कैमोमिल टी पी लो। थैंक यू। मैं सफाई कर लूंगा। मैंने सबके लिए पिज्जा ऑर्डर किया था, ये सबसे अच्छा है। फोम पेपर से थर्मामीटर काटें। बढ़िया डिस्प्ले है। पावर बटन्स लगाएं। अब टेम्परेचर मेजर करने में कोई परेशानी नहीं होगी। एल्सा बुक पढ़ने के लिए बैठी। फ्यू, ये गर्म है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पिघल रही हूँ, मेरा सिर घूम रहा है। एल्सा, क्या तुम ठीक हो? चलो विंड। डॉक्टर, हमें डॉक्टर की जरूरत है, मेरी दोस्त बीमार है। क्या हुआ? उसका टेम्परेचर मेजर करें। कुछ मिनट के लिए थर्मामीटर को पकड़े। क्या हो गया? उसे बहुत तेज बुखार हो रहा है, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है। मुझे पता है कि क्या करना है, आइसक्रीम से सब ठीक हो जाएगा। ये! मुझे अब ठीक लग रहा है। ये ब्लैक टेप को इस्तेमाल करें, मास्क की शेप काटें। चेशायर कैट की स्माइल। डिजाइनर मास्क सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए नहीं होता, लेकिन एक स्टाइलिश एक्सेसरी भी होती है। सबसे सुंदर मास्क चुनने में मेरी मदद करें। चलो देखें हमारे पास क्या है। हगी मास्क कैसा रहेगा? आपको क्या लगता है? ये तुम पर अच्छा नहीं लगेगा, ये बहुत आम है। एक मिनट रुको, मैं अभी वापस आई। चेशायर कैट वाली लिमिटेड कलेक्शन, मुझे ये स्माइल अच्छी लगी। थैंक यू, गुड बाय। हमारी हैलोवीन पार्टी शुरू हो रही है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। वाओ, ये अच्छा मास्क है, ये हमारे ड्रेस कोड के साथ बढ़िया लगेगा। दोस्त मार्शमेलो रोस्ट कर रहे हैं। ये बॉक्स फ्लफी पॉम पॉम से भरा हुआ है। वाओ, बहुत फ्लफी है। टॉप स्टैंड लगाएं, पाइप्स लगाएं, ड्रॉपर पर पिंक पेंट करें, इसे हार्ट से सजाएं, बीड्स, बटन्स। अब हमारे टेबल पर व्हील्स है। इस लव पोशन से कोई भी पेशेंट ठीक हो सकता है। पाइप्स को जोड़ें। चलो लाली लुक के साथ हेल्दी बने। मिनी को हॉस्पिटल जाना होगा। नर्स, इसकी फाइल लाओ प्लीज। ये लो, ये बेकार लग रही है। उन्होंने बोला है कि मेरी वाइफ यहाँ है। मेरे पास तुम्हारे लिए बुरी खबर है सर। अगर आप उसके डोनर बनना चाहते हैं, तो आप बन सकते हैं। मिकी अपने प्यार को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तुम्हारा आईवी तैयार है, तुम्हें उसे प्यार से भरना है। ओके। ओह, मैं कहाँ हूँ? अमेजिंग। तुम जल्दी ही हॉस्पिटल से बाहर जाने वाली हो। स्टेथोस्कोप का फ्रेम बनाएं। ओह, पुराने हेडफोन्स। तार लें, इसे जोड़ें। स्टेथोस्कोप लगाएं, उसके हेड पर मेटालिक पेंट करें। इन हाफ बीट से बढ़िया ईयर कुशन्स बनाएं।
अगर आपकी तबीयत खराब लग रही है तो डॉक्टर के पास जाएं। लेडी बग ठीक नहीं है, मुझे एक्सरे दिखाओ प्लीज। चलो देखें। सब कुछ समझ आ रहा है, इन जगह पर ध्यान देना होगा। मुझे तुम्हारे लंग्स को सुनना होगा, सांस लो। ये अजीब आवाज है, जोर से खांसी करो। ये लो, ये मेरी लंग्स को परेशान कर रहा था। थैंक यू, गुड बाय। फ्रेम बनाने के लिए तार को मोड़े। अच्छे ग्लासेस है। प्रिंटेड स्केल लगाएं। सर्कल्स बनाएं। फ्रेम पर लगाएं। आई एग्जाम गेम की तरह है, ऑफ्थोमोलॉजिस्ट से मत डरो। हेलो, ओह तुम कहाँ हो? मिस तुम ठीक हो? तुम्हें अपनी आई साइट चेक करानी होगी, एक आंख को कवर करो। बताओ मैं कौन सा लेटर दिखा रही हूँ? मुझे दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ धुंधला है। ये बुरा है ना? इन स्पेशल ग्लास को ट्राई करो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक लैच हटाओ। ऐसे ही ग्लास के साथ भी करें। अब कैसा दिख रहा है? वाओ, सारे साइन समझ आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। ग्लासेस पहन लो। ओके। अब रपंजल के बाल नहीं अड़ेंगे। वेट वाइप को स्ट्रिप्स में काटें। रोल्स बनाएं। जार को प्लास्टर से भरें। इसे गिरने से बचाने के लिए इसके ऊपर ढक्कन लगाएं। वुडन स्टिक्स काटें। ये क्रचेस है। सिक्योरिटी के लिए कुछ वेबिंग। स्टिक को ट्वाइन से लपेटें। टिप्स लगाएं। ग्लिटरी स्नोफ्लेक से सजाएं। पहले की बोरिंग मेडिसिन। हर पेशेंट अपने पसंद का डिजाइन चुन सकता है। शूज स्केट्स की तरह स्लाइड कर रहे हैं। एल्सा क्या तुम यहाँ हो? बेचारी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इविल आइज। हेलो एम्बुलेंस, रिंग पर आओ। कार तेज चल रही है, चिंता मत करो, हम एल्सा को ठीक कर देंगे। मेरा क्या होगा? हे रुको। हॉस्पिटल ने डायग्नोसिस देख लिया, उसको फ्रैक्चर है, हमें इसे कास्ट पर लेटाना होगा। मैं स्केटिंग करने वापस नहीं आऊंगी। डॉक्टर मेरी कैरेट टूट गई है। ओला ये कैसे हुआ? तुम्हें कास्ट पहनना होगा, डिजाइनर क्रचेस तुम्हारे काम आएंगे, इन्हें ट्राई करो। ठीक है, कुछ हफ्ते बाद वापस आना, हम ओलाफ का ध्यान रख लेंगे। ओके। शुक्रिया डॉक्टर। किंडर जॉय की पैकेजिंग हमारे काम आएगी। आबरा कडाबरा। हमें ग्लिटर पसंद है, इसमें सॉफ्ट स्पंज डाले। कोनों को पाइप क्लीनर से सजाएं। लिड पर स्केल्स बनाएं। ये रहा स्टैंड। कानों को सजाएं। हर बाउल में इंडिकेटर्स वाले डिस्प्ले हैं। माउस के स्टाइल वाले स्केल्स। हमारी फैमिली खुश होगी। हेलो। मैं हैरान हूँ कि ये इतने बड़े कैसे हो गए, ये बहुत प्यारे हैं। चलो इनका वेट देखें। डरो मत बच्चों, बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। चलो देखते हैं। यहाँ सब ठीक है, अब तुम्हारी बारी। मुझे लगता है मशीन में कुछ गड़बड़ है, मुझे लगता है बेबी ब्लैंकेट में कुछ भूल गई। मेरे स्नैक्स ठीक है। ओह माय गॉड। खुद खा लो, मेरे पास बहुत सारे हॉट डॉग्स हैं। हेयरिंग एड बनाएं, वायरिंग लगाएं, स्टब लगाएं। ये हेयरिंग एड सारे एयर शेप्स और साइज के लिए बढ़िया है।
हैप्पी मील ऑर्डर करने का आइडिया अच्छा था। हाँ। क्या तुम्हें बर्गर और फ्राइज चाहिए? हाँ, वेदर बहुत बढ़िया है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये ड्रेस तुम्हारे ऊपर अच्छी लग रही है। मिकी, क्या तुम सुन सकते हो? क्या? बहुत हुआ, अब हॉस्पिटल जाने का समय है। क्या तुम्हें पिज्जा चाहिए? चलो चलें। डॉक्टर, मेरा बॉयफ्रेंड बहरा हो रहा है। मैं बिल्कुल बुरा नहीं हूँ। ये काफी सीरियस है, हेयरिंग एड काम आएगा। बहुत बढ़िया, ये ट्राई करो। तुम कैसे हो? हनी, क्या तुम ठीक हो? हाँ। बहुत बढ़िया, अपना ध्यान रखना। प्लास्टिक पैकेजिंग हमारे काम आएगी। डीपनिंग्स बनाए, अपने आप को मजबूत रखने के लिए हर रोज एक पिल खाना। बॉक्स में मेडिसिन डालो। लेडीबग के लिए खास विटामिन। हेलो। ओह, मेरी नींद पूरी नहीं हुई। एक्सरसाइज करके नींद खुल जाती है। ये काम नहीं आया। ये वेट्स। ओह नहीं, मैं बहुत कमजोर हूँ। लेडीबग एक खास रेमेडी है। ये लो, टिक्की मुझे गलत सलाह नहीं देगी। मैं फिर से पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। लेट्स गो। लालीलू हॉस्पिटल नए पेशेंट्स के लिए तैयार है। सैंपल के लिए कैप्स मिनिएचर बॉटल्स बनेंगी। उन्हें छोटा करें, कैप्स को हॉट ग्लू से शेप दें और उन्हें चमकीले एक्रेलिक पेंट से हाईलाइट करें। लेबल्स चिपकाएं ताकि कोई उलझन ना हो। लैब के लिए लाइन लगी थी। मैं यहाँ पहले आई थी। तुम गलत हो, मैं यहाँ पहले आई थी। मैं यहाँ 20 मिनट से हूँ। इन बॉटल्स को ले। यहाँ कितनी भीड़ है। सभी की बारी आएगी, चिंता ना करें। आप भी। ओह, आखिरकार वो शांत हुए। तैयार, मैं इसे ले आई। मैं भी। आहा। नर्स ने सभी को अपनी बॉटल साइन करने के लिए मार्कर दिया। आखिरकार सब शांत हुआ। सभी अपने कंटेनर छोड़ गए और अब कोई झगड़ा नहीं। कार्डबोर्ड के दो हिस्सों से एक व्हील चेयर बनाए। सीट को स्टार प्रिंट के फैब्रिक से कवर करें। तार को मोड़कर पैर बनाए। स्ट्रॉ लचीले आर्म सेट प्रेस बन सकते हैं और ऐसे सहारे से पैर को और ज्यादा आराम मिलेगा। पैरों से कुर्सी को हिलने में मदद मिलेगी। हैंडल्स के लिए कुछ बीड्स लगाएं। सॉफ्ट इंसर्ट्स काटें। उन पर पेशेंट अपने हाथों और पैरों को आराम से रख सकते हैं। हमें अपने पेशेंट की आराम की बहुत परवाह है। वेटर, वेटर, क्या आप ऑर्डर करने के लिए तैयार है? ठीक है, डेजर्ट और एक सोडा। बस मैं कुछ भूल ना जाऊं। वेटर इतनी जल्दबाजी में ऑर्डर लेकर आए कि वो गिर गए। सभी हैरान थे। ओह, आज मेरा पहला दिन है। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? डेजर्ट की चिंता मत करो, हमें तुम्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। कस्टमर माया को एक डॉक्टर के पास ले आए। डॉक्टर ने उससे कुछ सवाल पूछे और उसके पैर की जांच की। हमें स्ट्रेन मसल्स पर बैंडेज बांधनी होगी। क्या मैं कल काम कर पाऊंगी? तुम्हें एक ब्रेक लेना होगा। तुम्हें एक व्हील चेयर इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि तुम्हें इस पर ज्यादा जोर नहीं डालना चाहिए। डॉक्टर, मैं इनका ख्याल रखूंगा। जल्दी से ठीक होना। दयालु कैफे कस्टमर इसका पूरा ध्यान रखना चाहता है। सबसे पहले वो उसे पार्क में लेकर आया, फिर वो दोनों साथ में एक म्यूजियम गए। मुझे मॉडर्न आर्ट के बारे में बहुत कुछ पता है। वाह, एक व्हीलचेयर तुम्हें मजे करने से नहीं रोक सकती। एक प्लास्टिक बॉक्स को काटें, हमें सिर्फ निचला हिस्सा चाहिए। पुराने चश्मे के हिस्सों को अलग करें और हैंडल्स बनाएं। कुछ आर्चेस और ये पूरा हुआ। अब हम आसानी से बेड को ले जा सकते हैं। बाहर से उसे एक नीले रिबन से ढके और अंदर एक पर्पल रिबन लगाए। इस तरह के नरम गद्दे पर आराम करना बेहतर है। तकिए और कंबल से और ज्यादा आराम मिलेगा। मजबूत पैर बनाने के लिए स्ट्रॉस को जोड़ें और दो पहिए लगाने से आप बेबी को कहीं भी ले जा पाएंगे। बेबी अपनी क्रिब में सो रही है, हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। नैन्सी हाल ही में माँ बनी है। वो अपनी बेबी को एक वीकली चेकअप के लिए लाई है। चलो उसका दिल और लंग्स चेक करते हैं। एक पतली सिरिंज से एक आईवी बनाएं, गर्म ऑयल से एक छेद बनाएं,
एक तार को मोड़कर होल्डर बनाएं। तैयार है, हमें बस बॉटल्स जोड़नी है। ज़िपलॉक बैग के कुछ हिस्से काटे और छोटे बैग्स बनाने के लिए उन्हें सील कर दें। उन्हें नीले और लाल पानी से भर दें। लाल सॉल्यूशन में विटामिन है और नीले वाले में मिनरल्स। आईवी पर एक कॉर्ड जोड़ें। एक ट्रे के पास नींव को सुरक्षित करें। आईवीज को सेटअप करना ज्यादा आरामदायक है। बेबी के इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए डॉक्टर ने दवाई का सुझाव दिया। ट्यूब जोड़ो, इसमें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। मेरी बेबी कैसी है, क्या वो रोई? बिल्कुल भी नहीं। सबसे छोटा पेशेंट भी हम पर यकीन करता है। एक ऑक्सीजन मास्क बनाए। आई ड्रॉप बॉटल से एक स्पाउट काटे, उस पर पतली तार लगाए। एक गुब्बारा और सजावटी अटैचमेंट जोड़े। उसे टांगने के लिए एक इलास्टिक जोड़े और एक ऑक्सीजन लेबल चिपकाएं। एक ऑक्सीजन मास्क तुम्हारी सांस लेने में मदद करेगा। आईवी के बाद डॉक्टर ने ध्यान दिया कि बेबी के सांसें ठीक से नहीं चल रही। नर्स, एक ऑक्सीजन मास्क लाओ। बेबी को और ऑक्सीजन मिली और फिर वापस सब कुछ नॉर्मल हो गया। डॉक्टर, कैसी है वो? मैं बहुत परेशान हूँ, सब कुछ ठीक है। उसे काफी ऑक्सीजन और सारे विटामिन मिल गए जो उसे चाहिए थे, तो आपका काम हो गया। शुक्रिया, मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं उसे घर ले जा सकती हूँ। वेट वाइप्स का एक पैक लें, ड्रॉप्स वाली जगह से काटें। निचले हिस्से को हॉट ग्लू से सील करें। अब ये बॉक्स की साइड है। नैपकिन के लिए एक ओपनिंग काटें। ये अभी से अच्छा दिख रहा है। एक फ्लैप जोड़ें। ये वेट वाइप्स बहुत बड़े हैं। उन्हें एक डॉल साइज जितना छोटा करें। एंटीबैक्टीरियल वाइप्स अपनी जगह पर है। अब सबके हाथ हमेशा साफ होंगे। रिसेप्शन नए मरीजों को मिलने के लिए तैयार है, उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। ओह, हमारा दोस्त एक और पेशेंट ले आया। वो एक असली हीरो है। मदद करो, हम गोल्फ खेल रहे थे और इनके पैर पर चोट लग गई। चलो देखते हैं क्या इसमें दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है। हमें खरोंचों को सैनिटाइज करना होगा। अपने आंसू पोंछो, ये लो कुछ टिश्यूज। लगता है एमिली टिश्यू का पूरा पैकेट इस्तेमाल होने तक रोती ही रहेगी। कोई बात नहीं, हम उसकी जल्दी मदद करेंगे। अब हम मेडिकल सप्लाईज के लिए कैंडी वाला प्लास्टिक बॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आधे हिस्सों को टेप से जोड़ें, उसे एक रेड क्रॉस स्टिकर से सजाएं। उसे हैंडल से पकड़ना आसान होगा। अब जो भी तुम्हें चाहिए सब यहाँ है। गोल्फ के एक बुरे राउंड के बाद पेशेंट डॉक्टर के पास गई। तुम्हें बस हल्का सा स्प्रेन है, मैं थोड़ा ऑइंटमेंट लगाती हूँ और एक हफ्ते के बाद ये पूरा बेहतर हो जाएगा। शुक्रिया डॉक्टर, मुझे उससे ज्यादा डर लग रहा था, माफ करना। हमें पुराना आई शेडो ब्रश चाहिए होगा। प्लास्टिक वाला हिस्सा काटें। ट्यूब के किनारे पर एक कैंडलस्टिक सुरक्षित करें। एक लेबल लगाएं। डॉक्टर के पास एक नया पेशेंट है। मैं आपकी मदद करती हूँ, बैठ जाइए। तो क्या परेशानी है? ओह, मेरे घुटने में दर्द है, मैं उठ या बैठ नहीं सकती। बूढ़े होने पर जॉइंट्स कमजोर हो ही जाते हैं। मैं आपको कुछ विटामिन बता सकती हूँ, मेरा उन्हें लेकर कोई फायदा नहीं हुआ। हमारे पास वो पिल्स हैं जिनसे काफी पेशेंट्स का फायदा हुआ। मैं वो नहीं ले सकती, मेरे पेट के लिए ठीक नहीं। और क्या है? ये ठीक है, हमारे पास एक नई दवा है, हीलिंग जेल। इससे आपको मदद मिलेगी। कुछ मिनट बाद आप अभी से असर देख सकते हैं। वाह, अब बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा, मुझे बिल्कुल यही चाहिए। अब हमारी दादी माँ फिर से कसरत और योगा कर सकती हैं और वो जेल को अपने साथ रखती हैं। कॉफी स्टिरर से क्रचेस बनाएं। स्ट्रॉज एक्स्ट्रा सहारा देंगे। वो कितने चमकीले हैं। सभी डिटेल्स को जोड़ें। निचले हिस्से को कैप से सुरक्षित करें और कॉर्ड्स अटैचमेंट पॉइंट्स को सजाएंगी। चमकीले हाफ बीट्स प्यारी लग रही हैं। हमारे पास एक है और ये रहा दूसरा। अब पेशेंट्स के लिए घूमना आसान होगा। जेल ने अभी से काम करना शुरू कर दिया। चलो काउच से उठने की कोशिश करें, ध्यान से। लेकिन कैसे? मैं इस पैर पर नहीं खड़ी हो सकती। मैं समझती हूँ, इसका मतलब अब से तुम्हें क्रचेस इस्तेमाल करने होंगे। आरामदायक नहीं लगता, तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी और तुम फिर से खड़ी हो जाओगी। ये सच है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। हंसना मत, मैं पहले से ही बहुत शर्मिंदा हूँ।
अगर तुम्हें अजीब लग रहा है, मैं एक प्राचीन ले सकता हूँ। ऐसा लगेगा कि हम दोनों को चोट लगी है। तुम्हारे साथ के लिए शुक्रिया, तुम्हें मुझे खुश करना अच्छे से आता है। हमें इस प्लास्टिक कैप को ढक्कन से कवर करना होगा। हॉट ग्लू ये काम करेगी। लेबल पर लिखा है ऑरेंज जूस और पेपर क्लिप का एक हिस्सा एक स्ट्रॉ बनेगा। एक बर्गर और ऑरेंज जूस अच्छा डिनर है। मजे करो। हमारे हॉस्पिटल में अलग अलग चोट से घायल पेशेंट्स हैं। मुझे जितना जल्दी हो सके अपनी बैंडेज हटवानी है। डॉक्टर ने कहा ही काफी जल्दी है, लेकिन मैं खुशी से तुम्हारे लिए लंच लाई हूँ। पेशेंट खुद से अपना खाना नहीं खा सकता, लेकिन केयरिंग नर्स ने उसे स्ट्रॉ से पीने में मदद की। तुम बेहतर हो रहे हो। स्टरलाइजेशन के लिए मेटल लिड से बॉक्स बनाएं। एक सर्कल काटें। एक लिड बनाने के लिए हम ये मिरर कार्डबोर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये रहा बढ़िया हैंडल। एक लेबल लगाएं और ये तैयार है। सभी चीजों को साफ करना है। सू के पास एक स्केड्यूल्ड वैक्सीनेशन है। मुझे बताया गया था कि मैं इसे यहाँ करवा सकती हूँ, क्यों नहीं। क्या आपका टेम्परेचर ठीक है? मुझे अच्छा लग रहा है। नर्स एक स्टैंड पर गई। डिसइंफेक्शन के लिए एक डिब्बा लिया और एक सिरिंज निकाली। बस एक शॉट और ये हो गया। ये बिल्कुल भी डरावना नहीं है। सेहतमंद रहो। एक सुंदर डिस्पेंसर वाली बॉटल बनाने के लिए एक बड़ा बीड और डेकोरेशन का इस्तेमाल करें। लेबल चिपकाएं। हर जगह हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए, खासकर एक हॉस्पिटल में। एक माँ एक बेबी के साथ डॉक्टर के पास आई। हमारी बारी है, चलो स्वीटी। ठहरिए, मेरे ऑफिस में अंदर आने से पहले आपको अपने हाथ सैनिटाइज करने होंगे। जरूर, हाइजीन सबसे ज्यादा जरूरी है। मॉम, इसकी खुशबू बढ़िया है, चलो हमारे घर के लिए भी ऐसा ही खरीदें। तुम कितने समझदार हो। हॉस्पिटल का एक और दिन खत्म हुआ। हम आज कितने सारे पेशेंट्स की मदद कर पाए। घर से बाहर समय बिताने का मजा ही कुछ और है। अपनी डॉल्स को पिकनिक के लिए पार्क में ले जाना, इससे अच्छा और क्या होगा। खासकर जब बच्चे भी इतनी मस्ती कर रहे हो। मॉम पकड़ो। बूम। ओ नहीं, मेरी नाक, ये तो टूट गई। मॉम, आपकी नाक को क्या हुआ? अब हम क्या करें? हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। एक वेट वाइप से चौरस टुकड़ा काटें। प्लीज मेरी टूटी हुई नाक ठीक कर दो। घबराओ मत बारबी। डॉल के गालों पर सफेद ग्लू लगाएं। इस पर वाइप का पीस लगाएं। इसके ऊपर फिर से ग्लू की परत लगाएं। अब नाक पर वाइप लगाएं। किनारों को एक समान मिलाएं। पूरे चेहरे पर एक मास्क बना दें। बारबी, बैंडेज का बेस तैयार है। मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारी पिकनिक एक हॉस्पिटल में आकर खत्म होगी। एक बेज रंग का साटन रिबन लें, इसे बारबी के गले पर लपेटें और इसे सर तक वाइप के ऊपर से लेते हुए लपेटें। एक बैंडेज का आकार दें, ऊपर से बंद करें। रिबन के सिरे को जलाएं। अब आपकी नाक सुरक्षित है। मैं सोच रही हूँ कि मुझे कितनी देर तक इस बैंडेज को पहनना होगा। मैं अब कैसे दिख रही हूँ? ओह, कुछ खास नहीं, पर ये सब अपनी खूबसूरत नाक को वापस पाने के लिए है। गुड आफ्टरनून, आज तुम्हें कैसा लग रहा है? काफी बेहतर, चलो एक बार आखिरी चेकअप कर लें। तो देखते हैं। मुबारक हो, सब ठीक है, हम बैंडेज को उतार सकते हैं। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये रहा, कितना बढ़िया हो गया। थोड़ी देर के लिए बैंडेड लगा देते हैं। इसे पूरी तरह से ठीक करने के लिए ये भी करते हैं। बैंडेड हटाओ और हो गया। अपनी सीधी और सही नाक का आनंद लो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, मेरी नाक फिर से खूबसूरत दिख रही है। एक ग्लिटर ग्लू की डिब्बी ले, इसका ढक्कन उतारें और इसके टिप को काटें। टिप को ढक्कन पर लगाएं। अल्ट्रासाउंड जेल छपा लेबल लगाएं। स्ट्रॉ से इसका ढक्कन बनाएं। स्ट्रॉ को ऊपर से काटें। इस ढक्कन को हॉट ग्लू लगाकर बंद करें। डॉक्टर, हम दोनों अपने बच्चे का जेंडर अभी से जानना चाहते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराओ मत, तुम ये बस अभी जान जाओगी। हम बस पेट पर थोड़ा जेल लगाएंगे और अल्ट्रासाउंड शुरू करते हैं। वो देखो, तुम्हारी प्यारी सी गुड़िया, ये कितनी सुंदर है।
और हमारे पास इसकी पहली तस्वीर भी आ गई। हमें चाहिए होगा एक डॉग वाटर बाउल। इसके नरम किनारे पूल के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। चमकीले स्टिकर्स ले पूल के किनारों पर इन्हें लगाकर सजाएं। थोड़ा गर्म पानी डालें। पूल तैयार है और अब हम इसमें बॉल डाल सकते हैं। वाटर बर्थ एक नेचुरल तरीका है माँ और उसके बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चा माँ के पेट में पानी से ही घिरा होता है। ये होने वाली माँ क्या कर रही है? ऐसा लगता है कि बच्चा भी बाहर आने के लिए उतावला है। इस नाजुक घड़ी में आपको अपने डॉक्टर और अपनी जीवन साथी दोनों का ही साथ चाहिए होता है। मुझे इस गुनगुने पानी में बहुत अच्छा लग रहा है। बधाई हो, आपके घर एक प्यारी सी गुड़िया आई है। ये कितनी नन्ही और प्यारी है। आखिरकार हम मॉम डैड बन ही गए। चलो बेबी के वजन के लिए किंडर जॉय के पैकेट से स्केल बनाएं। फालतू प्लास्टिक काटें, इसमें छेद करें, बाहरी हिस्से पर सफेद पेंट करें, इसे एक प्लास्टिक कंटेनर में फिट करें। इस तरह से डिटेल्स काटें, अंदर की तरफ गुलाबी रंग करें, स्केल के किनारे पर सफेद तार चिपकाएं, बेस पर हॉट ग्लू लगाएं, स्केल को लगाएं, स्केल के लिए एक स्क्रीन बनाएं, इसे काटें, इसे बेस से लगाएं, आधे मोती से एक बटन बनाएं, स्केल को स्टार के आकार के मोतियों से सजाएं, छोटा सा कंबल रखें। हमारी नन्ही राजकुमारी के लिए स्केल तैयार है। अब समय है बेबी का वजन चेक करने का। बेबी को स्केल पर रखें। बहुत अच्छे। बम्स वाले मोती लें, इसे तार पर लगाएं, इसे मोड़कर हैंडल का आकार दें, फालतू तार काटें, एक छोटी मोती से हैंडल का बेस बनाएं। हमने बेबी मसाजर बना लिया। एक प्लास्टिक पॉकेट से की चेन निकालें, इसमें मसाजर डालें, एक हरे धागे से इसके हैंडल बनाएं, इसे पर्स से चिपकाएं। एक मसाजर बैग तैयार है। आप इस बैग को अपने कंधों पर भी टांग सकते हैं, क्योंकि मुझे मसाजर हमेशा ही अपने साथ चाहिए होता है जब भी मैं इन प्यारे बच्चों को मिलने आती हूँ। बेबी, अब मैं तुम्हें पेट और पीठ पर अच्छे से मसाज दूंगी। बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। अपनी मामा को खुश करो। एक स्पाइनल हेयर टाई लें, एक छोटा सा पीस काटें, इस तार को मोड़कर आधा गोला बनाएं, इसे हेयर टाई के पीस से लगा दें, तार के दूसरे सिरे पर मोती लगाएं, इसे हॉट ग्लू से जोड़ें। हमें मिल गया एक नन्हा सा हेयर रिंग एड। ये डॉल को बहुत अच्छे से फिट आ गया। डॉक्टर, मुझे सुनने में दिक्कत हो रही है, मैं ठीक से सुन नहीं पा रही। ये बहुत ही आसानी से ठीक हो जाता है। ये छोटा सा हेयर रिंग एड लगा लो, ये तुम्हारे कान में टिका रहेगा और तुम्हें सुनने में कोई परेशानी नहीं होगी। शुक्रिया डॉक्टर, ये कमाल का है। चश्मे की आउटलाइन बनाए, ड्राइंग पर एक पारदर्शी प्लास्टिक शीट लगाएं, ड्राइंग को शीट पर एक सुई की मदद से ट्रांसफर करें, इसे चाकू से काटें। हमारे चश्मे के लिए फेस तैयार है। इस प्लास्टिक के चश्मे को एक गुलाबी रंग के सख्त प्लास्टिक शीट पर रखें, इसे आउटलाइन के अनुसार ट्रेस करें, लेंसेज के लिए छेद बनाएं, इन्हें काटें। वाओ! सुई की मदद से इसकी डंडियों को टिकाएं। इस शीट और प्लास्टिक के पेजेस को एक साथ चिपकाएं। बार्बी, ये लो तुम्हारे स्टाइलिश ग्लासेस। चलो तुम्हारी नजर चेक करें। बैठ जाओ और इन अक्षरों को पढ़ो जो मैं तुम्हें दिखा रही हूँ। हम तुम्हारी दाई और बाई आँख चेक करेंगे। डॉक्टर, मैं बहुत मुश्किल से इन अक्षरों को पढ़ पा रही हूँ, ये बहुत धुंधले हैं। घबराओ मत, मेरे पास ये चश्मा है, ये तुम्हें अच्छे से आ जाएगा। इसे पहनो और फिर पढ़ो। ये अब मुझे सब ठीक दिख रहा है। कुछ लेगोज लें, आर्च पीसेस को पहिए पर लगाएं,
चौरस ब्लॉक्स लगाकर फिर हमिट बना ले और एक 4x2 का पीस सबसे ऊपर लगाए, 3x2 के ब्रिक्स ऊपर लगाए और एक चपटा 8x4 का पीस ले। इसे टेबल टॉप की तरह बना दे। कोन्स और कार के बम्पर की मदद से हॉस्पिटल टेबल का हैंडल बनाए। लंच तैयार है। स्वादिष्ट और सेहतमंद खाने से ही जल्दी ठीक होते हैं, इसलिए तुम्हें चाहिए बढ़िया सपोर्टेबल फूड टेबल। मुबारक हो, तुम बहुत जल्दी ठीक हो रहे हो। मुझे यकीन है तुम्हारी जल्दी ही हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाएगी। इस वक्त सबसे जरूरी है अपनी सेहत का ध्यान रखना। हमारा खाना बनाने का स्टाफ इसमें माहिर है, पेट भर के खाओ। शुक्रिया डॉक्टर। चॉपस्टिक की मदद से स्ट्रेचर का बेस बनाएं। स्टिक्स पर एक कपड़े का पीस लगाएं। कपड़े को स्टिक्स के अनुसार काटें। कपड़े के किनारों पर हॉट ग्लू लगाएं। इसे मोड़ें। स्टिक्स को भी हॉट ग्लू से लगाएं। इन पर कपड़ा लपेटें, किनारों को चिपकाएं। स्ट्रेचर तैयार है। मेरा सर, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ओह, ये तो बेहोश हो गई। जल्दी से एक स्ट्रेचर और ऑक्सीजन मास्क लेकर आओ। क्या तुम ठीक हो? हाँ डॉक्टर, पर मेरा सिर अभी भी दर्द हो रहा है। हम हॉस्पिटल जा रहे हैं यही देखने के लिए। इस डॉल ने अपनी बाजू तोड़ ली। चलो सफेद कपड़ों से इसके लिए प्लास्टर बनाएं। एक कपड़े के पीस को आधा मोड़ें, इसे बाजू के ऊपर लपेटें। इसे एक प्लास्टर की तरह बनाएं। फालतू कपड़ा काटें। तीखे कोनों को काटें। इन पीसेस को सिलें। अंगूठे के लिए छेद बनाएं। इसे सिल दें। कपड़े पर एक वेलक्रो का पीस लगाएं। वेलक्रो का दूसरा आधा हिस्सा पिछली तरफ लगाएं। इस प्लास्टर को बाजू पर लगाएं। इस पर सितारे के आकार का राइनस्टोन लगाएं। शुक्रिया, मेरा प्लास्टर इन सितारों की वजह से बहुत अच्छा दिख रहा है। इस वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा? चश्मा, स्ट्रेचर, हेयरिंग एड या फिर बेबी स्केल? वीडियो को लाइक करें, लालीलू को सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियोस मिस ना करें।